जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, अंगारक योग जो बनता है वो मंगल और राहु की युति से बनता है, वो आपने सुना होगा। फलित ज्योतिष के अनुसार मंगल और राहु की युति ही जिस भाव में बैठती है और जिस राशि में बैठती है वो अंगारक नामक योग कहलाता है। अंगारक योग जो बनता है वो मनुष्य के अपने स्वभाव के कारण, उग्रता के कारण या फिर मंगल और राहु की युति के कारण उसको बनते हुए कार्य उसके बिगड़ जाते हैं। अचानक उसके बोलचाल में बोलते बोलते उग्रता आ जाती है, ऐसे स्वाभाविक गुस्सेल होने से उसके कार्य बिगड़ जाते हैं। तो अंगारक जो योग है वो इसकी युति या संगम ये खतरनाक योग है और इसके बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। अंगारक योग से जो है वो अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व, इन चारों तत्व की जो राशियाँ होती हैं, चार चार राशियाँ तीन हिस्सों में बांटी गई है, यानी कि मेष, कर्क, तुला और मकर। ये तो हुई आपकी चार राशियाँ। और ठीक इसी तरह से मेष, सिंह, धनु ये अग्नि तत्व की राशि कहलाती है। तो अलग अलग अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व, इसमें जिस राशि में जिस भाव में ये युति बनती है उसके अलग अलग दुष्परिणाम मनुष्य को भुगतने पड़ते हैं। मैं सिर्फ आज अंगारक योग के लिए अग्नि तत्व की बात कर रहा हूँ। 1, 5, 9 यदि ये प्रथम भाव में इसमें से कोई भी एक राशि स्थिति हो, ऐसे जातक जातिका को स्वयं के स्वभाव के कारण उसके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, उसको असफलता का सामना करना पड़ सकता है। द्वितीय भाव में 1, 5 या 9 इन राशियों का में से एक राशि हो तो ऐसे जातक की जिसमें मंगल और राहु विराजमान हो, 1, 5 या 9 दूसरे भाव में, तो ऐसे अंगारक है वो थोड़ा प्रबल हो जाता है। अंगारक अपने एक कारण जातक, अंगारक योग के कारण जातक अपनी वाणी में चाहे कितनी ही मधुरता लाने का प्रयास करे, लेकिन उसके इस योग के कारण थोड़ा गुस्सा आ जाता है और गुस्से आने के कारण उसकी वाणी में कटुता आ जाती है। इस वाणी में कटुता आने के कारण ही उसके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं और उसको असफलता का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह से ये अंगकारक योग यदि सप्तम भाव में बैठ जाता है, 1, 5 या 9 जिस जातक या जातिका के सप्तम भाव में 1, 5 या 9 राशि लिखी हुई हो और उसमें मंगल राहु की युति हो, तो वैसे अंगारक योग वाले जातक के दाम्पत्य जीवन में आए दिन कलह उत्पन्न होते रहते हैं और उन दाम्पत्य जीवन में कलह उत्पन्न के साथ साथ उनका दाम्पत्य जीवन सही नहीं किया जा सकता है। तो ये अलग अलग भाव में अलग अलग राशि के अनुसार, अलग अलग तत्व के अनुसार अंगारक योग अपना दुष्परिणाम बताता है। इस दुष्परिणाम से बचने के लिए हम आपको एक उपाय जबरदस्त बताएंगे, वो अगले वीडियो में बताएंगे। इसमें तो मात्र अंगारक योग क्या दुष्प्रभाव बताता है और किस राशि के अनुसार बताता है और क्या प्रभाव देता है इसकी ही जानकारी दी। अगले वीडियो में हम आपको अंगारक योग के दुष्परिणाम से बचने के लिए बहुत सटीक उपाय बताने जा रहे हैं। आप बराबर हमारे चैनल वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आप ज़्यादा लाभान्वित हो सके। जय श्री कृष्णा।